नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। 24 अक्टूबर सन 2021 ये वो तारीख जब भारत को पाकिस्तान के खिलाफ विश्व कप के इतिहास में पहली हार मिली। बाबर आजम की कप्तानी वाली पाकिस्तान ने भारत को 10 विकेट से पटखनी दी थी, जिसके बाद भारतीय टीम और विराट कोहली के साथ साथ कोच रवि शास्त्री की भी खूब आलोचना हुई थी, क्योंकि टीम चयन सही से नहीं किया गया था और रविचंद्रन अश्विन को टीम में शामिल नहीं किया गया था। ऐसे में तमाम बातें उठी थी और सभी ने अपनी अपनी तरफ से बहुत सी चीजें बताई थी कि कहां पर भारतीय टीम ने गलती की और क्यों भारत को पहली बार पाकिस्तान के सामने घुटने टेकने पड़े। लेकिन जिस तरीके से भारत ने पूरे विश्व कप में प्रदर्शन किया वो बेहद ही खराब रहा और पहले ही दौर से भारत को बाहर होना पड़ा था। लेकिन अब पाकिस्तान के खिलाफ मिली हार को लेकर रवि शास्त्री ने बयान दिया है और बताया है कि क्यों भारत हार गया था और कैसे भारत ने वहां पर गलती की थी और हम हमेशा की तरह अच्छा खेलने का प्रयास कर रहे थे लेकिन उस दिन ऐसा नहीं हो सका और हमें हार मिले। रवि शास्त्री से सवाल किया गया कि पाकिस्तान के खिलाफ विश्व कप में खराब प्रदर्शन का कारण क्या रहा, तो रवि शास्त्री ने इसके जवाब में कहा, आप पाकिस्तान के खिलाफ मैच के लिए अलग तरह से तैयारी नहीं करते। पिछले 20 साल के नतीजे को देखें तो हमारे पास 90% से अधिक मैच जीतने का रिकॉर्ड है। किसी भी दिन कुछ भी हो सकता है, लेकिन एक या दो हार के कारण कुछ भी क्यों बदले। तो आपने सुना कि रवि शास्त्री ने पाकिस्तान के खिलाफ हार के लिए बताया कि एक या दो दिन की हार से चीजें नहीं बदल जाती हैं और कभी कभी ऐसा होता है कि आपका दिन नहीं होता है जिसकी वजह से आपको हार झेलनी पड़ती थी। उस दिन भी कुछ ऐसा ही हुआ पाकिस्तान के खिलाफ। उन्होंने कहा कि हमारा दिन नहीं था और हमें हार झेलनी पड़ी और उन्होंने ये भी कहा कि अगर आप पिछले 20 साल के इतिहास को देखें तो हम हमेशा पाकिस्तान पर भारी रहे हैं। आपको बता दें कि पाकिस्तान और भारत के मुकाबले में भारत ने कुल 150 रनों का स्कोर किया था। विराट कोहली भारत की तरफ से अर्धशतक लगाने वाले केवल इकलौते बल्लेबाज थे। इसके अलावा भारत का कोई बल्लेबाज पाकिस्तान के खिलाफ नहीं चल सका था। जवाब में जब पाकिस्तान की टीम लक्ष्य का पीछा करने आई तो कप्तान बाबर आजम और विकेटकीपर बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान ने बेहद शानदार बल्लेबाजी करते हुए बिना विकेट गंवाए 151 रनों का स्कोर खड़ा कर दिया था और 10 विकेट से जीत दर्ज की थी। भारत के गेंदबाजों ने वहां पर बेहद ही खराब प्रदर्शन किया था। इसके बाद भारत का सफर वहीं से विश्व कप में डगमगा गया और भारत विश्व कप के पहले दौर से बाहर हो गया था।